ये देखे भाई हर तरफ मास्क ही मास्क दिख रहे हैं। तो गाइज यार मैं 1.5 महीना पहले अपनी जर्नी पे गया था, तो भाई तब ऐसा सिस्टम नहीं था कि मेट्रो में जाओगे तो मास्क वास्क लगा के जाओगे। मास्क बेच रहे इधर लोग अभी भी बहुत ज्यादा, और बोल रहे कि भाई मास्क लगा के जाइए मेट्रो में। पता नहीं क्या रीजन है क्या नहीं, देख सकते भाई इधर लोग मास्क वास्क खरीद रहे हैं। देखो भाई ये आ गई अपनी ट्रेन ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो कि भाई चेन्नई सेंट्रल से सीधा दिल्ली की तरफ जाएगी। ये देखो भाई लाइन के ऊपर इधर झगड़ा हो गया, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना लेडीज उसके साथ झगड़ा हो गया इधर। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है भाई सबके, उम्मीद है कि भाई आप सभी लोग एकदम मस्त और भाई एकदम जबरदस्त होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ गाइस अन्ना लोगों के पास चेन्नई में, और आज भाई मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तो आज की मेरी ट्रेन है चेन्नई से दिल्ली के लिए, लेकिन भाई सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भाई जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब पता नहीं कौन सी तारीख हो रही होगी, क्योंकि आज है 15 तारीख मतलब 15 अगस्त। तो आज के दिन जो है गाइज मैं अपने घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। जैसे कि भाई आप लोगों ने मेरे को कंटिन्यू देखा होगा, तो भाई हमारे जो है साउथ इंडिया एक्सप्लोर की जर्नी चल रही थी, जिसमें कि गाइज हमने काफी कुछ एक्सप्लोर कराया, बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई है। तो अभी आ रहा है गाइज रक्षाबंधन, जो कि भाई 19 तारीख को है, और भाई मेरे को 19 तारीख से पहले पहले पहुंचना होगा घर पे, क्योंकि भाई एक ही बहन है उसके लिए भाई जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो गाइज हमने अपनी पैकिंग वैकिंग एकदम जबरदस्त तरीके से कर ली है, बैग वैग एकदम रेडी है, और ये भाई अपना कुछ ऐसा रूम था। तो अभी चलते हैं गाइज बाहर की तरफ, और भाई जाके सीधा मेट्रो पकड़ते हैं चेन्नई सेंट्रल के लिए। तो भाई वहीं से अपनी ट्रेन है, और गाइज जाते जाते खाते पीते तुम्हें चेन्नई शहर के भी नजारे दिखा देंगे। तो गाइज होटल से बाहर निकल चुके हैं और गधे की तरह हम लद चुके हैं भाई अपना बैग वैग लेके, बहुत वजन है यार इसमें। और सामने की तरफ भाई मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का नाम है गाइज अरुमबक्कम। तो देख लो भाई कितना डिफिकल्ट सा नाम है, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ याद रखता हूँ, भूलता कुछ नहीं हूँ। तो ये देखे भाई चेन्नई शहर की डेवलपमेंट, ये देखो सामने से मेट्रो जा रही है, मेट्रो का फ्लाई ओवर, और गाइज वही भीड़ भड़ाको और भाई वही शोर शराबा जो कि भाई हर शहर में रहता है। तो भाई ची ची पी पी लगी रहती भाई व्हीकल्स की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गाइज एटीएम के पास, तो भाई चल के रोकड़ा निकलवा लेते हैं, रोकड़े की जो है अभी सख्त जरूरत है हमें कैश में। दे 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 दे, दे भाई कार्ड का दे दे, तावड़ी सी निकाल दे भाई रोकड़ा, अच्छा ये निकालना पड़ेगा पहले, जल्दी 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 जल्दी। लो भाई निकलवा लिया 1000 रुपए, क्योंकि भाई कैश में भी कुछ होना चाहिए अपने पास में, कैश में कुछ है ही नहीं। तो गाइज मेरा होटल जो था ना भाई इस मेट्रो स्टेशन के आसपास था, इस मेट्रो स्टेशन का नाम है अरुमबक्कम, और मेरा होटल था भाई पीछे की तरफ। तो गाइज काफी अच्छा एरिया भाई ये वाला भी, और काफी अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाते हैं आपको इधर, और इधर ना भाई जो चेन्नई का बड़ा बस स्टैंड है वो भी इसके आसपास ही है। तो ये लो जी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और ये है भाई चेन्नई का मेट्रो स्टेशन, लंबा चौड़ा और भाई साफ सुथरा मस्त है यार। आप देखो यार इधर की जो स्क्रीन है ना इनकी, बड़ी लंबी चौड़ी है यार, दिल्ली वाली में तो छोटी सी देते हैं, लेकिन इधर की जो मेट्रो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। हमारी दिल्ली वाली भी सही करो यार केजरीवाल जी, अगर मेरी सुन रहे हो तो। तो ये लो भाई आ गई चेन्नई वाली मेट्रो एकदम नीले नीले कलर की, खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम खुल गई। ये लो भाई ये देखो चेन्नई का मेट्रो स्टेशन कितना कमाल का है, कितना साफ सुथरा लंबा चौड़ा एकदम, कश्मीरी गेट वाली फील आ रही है भाई इसको देख के, हमारा कश्मीरी गेट वाला भी ऐसा ही है। तो ये देखो जी पहुंच चुके हैं भाई चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि भाई बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये देखो भाई इसके सामने एक मस्त सा रेस्टोरेंट बना रखा है एक ट्रेन का डब्बा रख के, तो भाई काफी कमाल का है। और भीड़ देखे भाई कितनी ज्यादा है इधर, लगता भाई प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी आज तो मेरे को। ये देखिए भाई कितने लोग बैठे हैं इधर, ये सभी के सभी शायद भाई अपनी ट्रेन व्रेन का इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई इधर की तरफ सामने की तरफ लोकल ट्रेन का स्टेशन है, जहाँ से भाई लोकल ट्रेन पकड़ के हम कहीं भी जा सकते हैं, और उधर की तरफ है भाई जिधर एक्सप्रेस ट्रेन आती है मतलब। तो भाई अपनी दिल्ली वाली ट्रेन जो है ना उधर सामने की तरफ से, ये जो आपको दिख रहा है। तो गाइज अभी ना भाई 3 बजे हुए हैं और अपनी ट्रेन जो है 6:40 की है, तो भाई तब तक घूम लेते हैं, इधर ही घूम लेते हैं भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई इधर थोड़ा सा मस्त सा माहौल दिख रहा है, लोग बैठे हुए हैं मस्त अपना हरियाली में, और भाई भीड़ भड़ाका फुल मस्त है इधर, तो इधर ही टाइम पास कर लेते हैं, 3 घंटे इधर ही निकाल देंगे भाई घूम फिर के खा पी के।
तो भाई अभी तरबूज लेके आया हूँ गिलास में भर के, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और भाई शरीर में ना पानी की कमी बार बार हो रही है, बार बार प्यास लग रही है। तो भाई इतनी ज्यादा गर्मी में तरबूज वगैरह पाइनएप्पल वगैरह भी मतलब खाते रहना चाहिए, उससे भाई जो है पानी की कमी पूरी होती रहेगी शरीर के अंदर। तो गाइस यार अभी अभी भाई एक गलत सा सीन हो गया, जो कि भाई आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ मेरा बैग है ना भाई, ये ज्यादा ही ओवरलोड हो गया और इसकी जो है ना भाई ये जो मतलब ये रहती है क्या बोलते हैं इसको, तो ये है ना भाई देखो टूट चुकी है, मतलब अभी ये मेरा बैग है ना किसी काम का नहीं रहा, बस एक ही साइड की बची है। तो भाई पता नहीं इतना भारी बैग मैं अब एक साइड से कैसे लटकाए लटकाए घूमूंगा। आज ही के दिन होने वाला था भाई ये सीन, मैं इतना घूमा भाई इस बैग को लेके, इतना ज़्यादा वेट लेके घूमा लेकिन कभी नहीं टूटा, शायद भाई अभी इसकी उम्र हो चुकी है, अभी टूट चुका है। तो भी भाई क्या बोलते हैं उसको, गरीबी में आटा गीला, तो भाई ये टूट चुकी है, तो भाई अभी इसको लटकाए लटकाए पता नहीं कैसे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसके बांधूंगा इसको तब जाके इसको लेके फिरूंगा मैं। तो चलो भाई जुगाड़ उगाड़ लगा के कर लिया बैग सही, अभी चलते हैं भाई स्टेशन की तरफ। ये देखिए वो मस्त तरीके से एकदम लटका हुआ है पीछे की तरफ। तो गाइज अभी आ चुका हूँ भाई स्टेशन के अंदर और यहाँ पर ना भाई मेरे को एक चीज़ देखने को मिली है, जैसा कि भाई आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ना भाई कोई फ्लाईओवर सा नहीं है, मतलब कोई ब्रिज नहीं है जिसके ऊपर भाई हम चढ़ के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, सब ऐसे ही नीचे ही नीचे, मतलब ग्राउंड लेवल पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं ऐसे निकल निकल के। तो अपना जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो 3 नंबर है, तो अपनी जो ट्रेन है 3 नंबर पे आएगी, तो चलते हैं भाई 3 नंबर की तरफ। और भीड़ देखे भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, वेटिंग हॉल में कोई भी कुर्सी खाली नहीं है भाई जहाँ पे मैं बैठ सकूँ और अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकूँ। तो गाइज ये वाला जो रेलवे स्टेशन है ना भाई देखने में एकदम सेम टू सेम मुंबई सेंट्रल की तरह दिखता है। तो ये है गाइज अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3। ओए होए होए सफाई देखे भाई कितनी ज्यादा इधर साफ सफाई है, एकदम मस्त मजा ही आ गया भाई। 2000 years later तो ये देखो गाइज जब मैं आया था भाई कितना खाली खाली था ये प्लेटफॉर्म, और अभी देखो भाई शाम के 6 बज चुके हैं और 40 मिनट बाद जो है अपनी ट्रेन आने वाली है। तो भाई अभी देखिए लोगों की कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, मैं भाई थोड़ा सा रेस्टिंग लाउंज में बैठ गया था जाके, मेरे को नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इधर, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है ये देखिए, अभी तो लगता है भाई 40 मिनट तक इधर खड़ा ही रहना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए भाई कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो अभी कुछ जाके खाने पीने का सामान ले लेते हैं भाई जो कि इमरजेंसी में हमारे काम आएगा, क्योंकि पिछली बार भी मैं सो गया था और रात के 11 बजे उठा था तो उस टाइम पे जो है खाना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो अभी चलते हैं भाई कुरकुरे वुरकुरे से ले लेते हैं। अल्लाह चिप्स पैकेट लेज लेज ग्रीन ग्रीन कलर कुरकुरा टेडी मेडे नुन्ना लाइट थाने एवला ना बड़ा ओके पीनट्स नमकीन दे दो। टू पैकेट हाउ मच? 80 रुपीस। तो चलो भाई ले लिया खाने पीने का सौदा जो कि इमरजेंसी में अपने काम आएगा, अभी फटाफट से दूरी नाप देते हैं भाई इधर से। तो गाइज अपनी जो ट्रेन आने वाली है उस ट्रेन का नाम है भाई ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जो कि भाई चेन्नई से सीधा दिल्ली जाने वाली है, और वो जो ट्रेन है भाई उस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी जो कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। मैं थोड़ा सा भाई इधर की तरफ आ गया क्योंकि लोग उधर खड़े हैं भाई आ रहे जा रहे हैं, तो भाई इनको डिस्टर्ब ना हो तो इसी वजह से मैं इधर की तरफ आ गया। ए देखो भाई ये आ गई अपनी ट्रेन जो कि भाई चेन्नई सेंट्रल से सीधा दिल्ली की तरफ जाएगी, और इसका जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो भाई 2188 किलोमीटर का रहेगा, तो मतलब हमें पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे भाई पूरे। तो ये देखे भाई ट्रेन एकदम खाली पड़ी है, इसमें जो अभी ये सारा सामान है ना ये माल मसाला जो है इसमें लोड करेंगे, कंबल चद्दर वद्दर जो भी है ये, क्योंकि भाई बिल्कुल ही खाली पड़ी है ट्रेन के अंदर ना भाई पोतड़ा भी। तो भाई ये वाला अपना कोच है तो इसके अंदर अपनी सीट है, तो चल के अपनी सीट देखते हैं भाई। 22 नंबर की सीट है जो कि ऊपर वाली है, तो घुस जाते भाई अंदर की तरफ, अंदर से चल के देखते हैं क्या सीन है अंदर का। 22 नंबर देखते हैं भाई अपनी सीट यार, हटिया भाई रे लंगूर है। एक सेकंड तो भाई ये वाली अपनी सीट है ऊपर वाली 22 नंबर। तो भाई सामान तो लोड कर दिया गाड़ी के भीतर पर एसी नहीं चल रही भाई अभी, तो इसी वजह से जो है बाहर खड़ा हूँ, और पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरा भाई सफोकेशन से भी हो रही है अंदर, मतलब घुटन सी हो रही है अंदर की तरफ, तो इसी वजह से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए। एसी वेसी नहीं चल रही थी, अभी ये चलाएंगे भाई जब ट्रेन चलेगी तो तब एसी वेसी भी चलाएंगे, तो फिलहाल के टाइम तो नहीं चल रही थी। और ठीक ठाक है भाई साफ सफाई के मामले में भी। तो भाई मेरे साथ ये भाई हैं, भाई आपका नाम क्या है? अनिल रवि नाम है भाई, जो कि यहीं पे रेलवे में काम करते हैं। बाइक बहुत अच्छी
वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। भाई का बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट भी रहता है, देखने में भी अच्छा एंजॉय आया था। हमने भी काफी सारी वीडियो देखी है, सब्सक्राइब भी किया है, भाई से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप अपना भी चैनल बता दीजिए ना, क्या चैनल का नाम है? अनिल ब्लॉगर सतना के नाम से है, अनिल रवि नाम है हमारा। आप इधर ही रहते हैं ना चेन्नई में? हम चेन्नई में ही रहते हैं, कभी भी आप चेन्नई भी आइए, हमारा चैनल देखिए और आइए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। इधर आकर कुछ भी दिक्कत हो आप हमसे मिलिएगा, इधर हम आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो ये देख लो जी, ये वाली ट्रेन जो है साफ सफाई के मामले में कुछ ऐसी है, ये थर्ड एसी है और अंदर की तरफ भाई हमने अपना सामान लोड कर रखा है, ये हमारा कोच है। तो फिलहाल तो चलो भाई एसी वेसी चल चुका है और ये देखिए भाई अंदर से इसकी साफ सफाई ऐसी है। तो ये लो भाई ट्रेन चल चुकी है अपनी, तो अभी तो भाई रात हो चुकी है तो बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। अगर भाई ट्रेन दिन की होती तो दिन में चल रही होती तो भाई मस्त मस्त नज़ारे दिखाता मैं तुम्हें इधर हरे भरे पहाड़ों के, लेकिन कोई बात नहीं सुबह उठ के देखेंगे। फिलहाल तो भाई अपनी सीट के ऊपर ना लेट जाते, सबसे ऊपर वाली सीट मिली, अब की बार तो बढ़िया सीट मिली। तो भाई अभी खाना वाना खाया है और अभी पी रहा हूँ भाई कॉफ़ी, रात बहुत हो चुकी है, अभी जा रहा हूँ भाई कॉफ़ी पी के सीधा सोने, सुबह के टाइम मिलते हैं। 2000 years later. तो good morning guys, सुबह हो चुकी है और भाई हम उठ चुके हैं, पूरी रात भाई ढंग से सो नहीं पाए क्योंकि बार बार पता नहीं क्या कर रहे थे ट्रेन वाले, कभी एसी चला रहे थे कभी बंद कर रहे थे, तो भाई गर्मी सी भी लग रही थी बार बार। और अभी तो जो है भाई मौसम अच्छा हो चुका है सुबह सुबह का। तो भाई बाहर का व्यू और बाहर के नज़ारे तो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो रखे हैं। और इससे पहले भाई ट्रेन जो है नागपुर रुकी थी, लेकिन नागपुर तो हमने काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है और भाई काफ़ी बोरिंग सा सफ़र हो रहा है, क्योंकि मेरी जहाँ पर सीट है ना भाई उस वाले कोच में ना सारे ओवर एज बंदे हैं, मतलब बूढ़े बूढ़े से, तो भाई वो बेचारे अपने एक ही काम में लगे रहते हैं, मतलब अपने आप से मतलब रखते हैं, तो बातचीत वाला इंटरेक्शन वाला इतना ज़्यादा कुछ मामला हुआ नहीं, वैसे ही बोरिंग सा सफ़र काट रहे हैं अभी तक। ये यहाँ पर एक और स्टेशन है, क्या है पता नहीं, स्टेशन ही है कलमेश्वर, ये सामने की तरफ लिखा हुआ है इधर। और व्यू देखिए भाई, मतलब बारिश आ रही है बाहर और ये देख सकते हैं भाई पूरा ट्रैक भी गीला हो रखा है एकदम, भाई गिर जाओगे यार इतना लटक रहे इस पे। तो पहाड़ों वाला एरिया नहीं आ रहा इधर, कब आएगा? ओ भाई खाने वाले क्या क्या इसमें, क्या 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 इसमें खाने में? खाने में वेज पुलाव है, अंडा बिरयानी है, चिकन है। अंडा बिरयानी चलो भाई, अंडा बिरयानी खाते ही नहीं भाई, हम तो वेजिटेरियन आदमी। तो वेज खा लो ना, तो बना के तो उसमें लाया है। ऐसे कैसे बन जाएगा, वेज अलग रहेगा नॉन वेज अलग? तो बनते तो एक ही बर्तन में सारे, रसोई तो एक ही रहती है। तो भाई पंडित ये तो कहीं नहीं मिल पाएगा, फिर तो घर ही मिल सकता है। फिर ठीक है घर ही खा लेंगे भाई, घर ही खा लेते तो फिर ठीक। तो भाई एक और रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है 7:30 के करीब और अभी भाई रात का डिनर कर रहे हैं। ये देखिए भाई ये हमारा खाना है, ये थाली मंगाई थी, ये कुछ 120 रुपए की है। वैसे तो ट्रेन में ही मिलता है लेकिन ट्रेन वाले खाने पे मेरे को डाउट सा रहता है, साफ़ सफाई का और थोड़ा वेज नॉन वेज का भी चक्कर रहता है, तो इसी वजह से जो आते रहते हैं ना ट्रेन में, मतलब बीच बीच में कि भाई खाना ले लो, ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, तो उन लोगों पे मैं ले लेता हूँ। तो गाइज ये वाली थाली लेने के बाद ना भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो इसको फाड़ना रहता है, मतलब ये डर रहता है कि भाई खिंडे विंडे ना जाए। इसकी पन्नी है ना मतलब इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों चिपकाते, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तब जाके हटती है। और देखो हाथ भी मेरा जो है अभी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन इसको केयरफुली फाड़ना पड़ेगा पूरा, ऐसे फटती नहीं। तो ये देख लो भाई खाने में कुछ ये सीन है इसका, खीरे की सलाद है, चावल है और दाल है, आलू की सब्जी है। और भाई बाल देखो यार मेरे कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पहचान में ही नहीं आ रहा मैं हूँ ये। अभी घर जाऊँगा तो भाई सब चीज़ें सही कराऊँगा, बाल वगैरह और ये सारी चीज़ें, अभी तो ऐसा लग रहा है खुद को ही पता नहीं कौन हूँ मैं। तो गाइस अभी खाना वाना खा लिया और अभी मैं आ गया भाई थोड़ा सा हल्का भारी होने के लिए, मतलब सुसू करने के लिए। तो भाई अभी ना मैं जाके थोड़ी देर में सो जाऊंगा क्योंकि भाई ये जो ट्रेन है सुबह 5 बजे उतार देगी दिल्ली, तो अभी जो हमारा बाकी का डिस्टेंस बचा है वो है भाई कुछ 800 किलोमीटर का,
जो कि भाई 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा सुबह तक, तो अभी जाके फटाफट सो जाता हूँ, वरना भाई 5 कब बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और एक बारी चल के भाई मैं तुम्हें अपनी ट्रेन का माहौल दिखाता हूँ कैसा हो चुका है रात का। रात को भाई जब लाइट ऑफ हो जाती ना तो थोड़ा भूतिया सा माहौल दिखता है, तो चल के भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट। अभी मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, सुबह मिलते हैं 5 बजे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली भाई पहुंच चुके हम अपनी डेस्टिनी पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भाई सुबह के 7 बज चुके हैं, 7 से भी भाई थोड़ा बहुत ऊपर का टाइम हो चुका है। और हमारी ट्रेन की जो टाइमिंग थी भाई वो सुबह 5 बजे की थी, तो 2 घंटे हमारी ट्रेन जो है भाई लेट थी। तो अभी देख लो भाई, ऐसा कुछ वेदर भी हो रहा है और हल्की हल्की सी बरसात हो रही है, तो मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है। आप देख सकते हैं भाई ये सड़कें गीली होनी चालू हो चुकी हैं, और मेरा घर अभी भाई यहाँ से कुछ 34 किलोमीटर दूर है। तो भाई उम्मीद है कि भाई मैं पहुँचते पहुँचते ना भीगूँ। वैसे तो मन था कि भाई कैब वैब करके निकल लूँ, पर मेट्रो से जाऊँगा क्योंकि अभी मेट्रो चल गई तो खामा आके इतने पैसे वेस्ट किए, पैसे बचाओ क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। तो भाई सुबह सुबह का वक्त है और लोगों की भीड़ देखो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी भाई फटाफट से जो है मेट्रो पकड़ लेते हैं और निकल लेते हैं इधर से। वैसे भाई दुनिया में कहीं भी घूमे उसकी फीलिंग अलग है, लेकिन अपने घर आने की जो खुशी है भाई उसका मज़ा ही अलग है। और मेरे स्वागत में ये देखो भाई बारिश होने लगी, काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश हो रही है। सामने की तरफ मेट्रो स्टेशन है, इधर से भाई फटाफट से निकल लेते हैं। अब जो है ज़ोर ज़ोर से बूंदे गिरने लगी भाई। ये देखो भाई सुबह सुबह की दिल्ली की बारिश के मज़े, सामने की तरफ कितना ज़्यादा ट्रैफिक, टैक्सियाँ ही टैक्सियाँ खड़ी हैं, ऑटो ही ऑटो खड़े हैं भाई। अगर आप आते हैं तो भाई टैक्सी की और ऑटो की आपको कोई कमी नहीं होगी। और आज तो मौसम भी गजब का हो रहा भाई। गाइज यार मैं 1.5 महीना पहले अपनी जर्नी पे गया था, तो भाई तब ऐसा सिस्टम नहीं था कि मेट्रो में जाओगे तो मास्क वास्क लगा के जाओगे, लेकिन अभी पता नहीं भाई क्या सिस्टम हो गया। अभी मैं आया तो भाई इधर देख रहा हूँ कि मास्क बेच रहे इधर लोग अभी भी बहुत ज़्यादा, और बोल रहे कि भाई मास्क लगा के जाइए मेट्रो में, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं। ये देख सकते हैं भाई इधर लोग मास्क वास्क खरीद रहे हैं, देखते हैं भाई बिना मास्क के एंट्री देते नहीं देते हमें मेट्रो में। जब मैं गया था जब तो ऐसा कुछ सीन नहीं था, अभी पता नहीं क्या सीन हो गया भाई। ये देखिए भाई हर तरफ मास्क ही मास्क दिख रहे हैं। तो भाई टिकट लेने के लिए भीड़ देखो लोगों की कितनी लंबी है, सुबह सुबह का टाइम है। और हमने तो भाई अपनी टिकट जो अपने फ़ोन से ले ली पेटीएम के ज़रिए, सही है कि भाई इतनी ज़्यादा लाइन में खड़े होने से बच गए। यही है भाई इतने लोग पता नहीं क्यों लाइन में खड़े, भाई फ़ोन से ले लो अपनी टिकट, काफ़ी ज़्यादा आसान है, भीड़ भड़ाका भी नहीं होगा। ये देखो भाई अंदर मेट्रो में जाने के लिए भी भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की, अंदर देखो भाई लाइन ही लाइन लगी हुई है। ये पता नहीं अब टोकन की लगी है या अंदर जाने के लिए लगी है मेट्रो में। ये देखे भाई जहाँ देखे उधर ही लाइन लगी पड़ी है, लोगों की भीड़ लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा। काउंटर क्रॉस करने के लिए भी भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है आज तो। पहले तो भाई 1-2 घंटा तो इधर ही निकल गया घर, पता नहीं कितने बजे पहुँचूंगा मैं। ये देखो भाई लाइन के ऊपर इधर झगड़ा हो गया, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना लेडीज़ उसके साथ झगड़ा हो गया इधर। तो ये लो भाई सब मेट्रो भी आ ली अपनी फटाफट से। अरे 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 भाई देख के रिस्क नहीं लेने का। अभी देखो भाई वो लोग है ना इसके दरवाजे के अंदर फंस जाते हैं, और भाई चोट वोट भी लग सकती थी। तो भाई जाना तो मैं भी चाहता था इसके अंदर, लेकिन एकदम से दरवाजा बंद होता हुआ देखा ना तो भाई मैं पीछे हो लिया। मेरा तो वैसे ही भाई बैग बहुत बड़ा, ये तो सारा फंस ही जाता। खुल जा भाई खुल जा खुल जो। तो गाइज अभी पहुंच चुका हूँ भाई घेवरा मेट्रो स्टेशन। तो मेरे घर से भाई ये मेट्रो स्टेशन कुछ 6 किलोमीटर दूर है, तो अभी यहाँ से जो है लोकल जो दिल्ली की बसें रहती हैं
वो पकड़ के अब मैं घर की तरफ निकलूंगा। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ भाई अपने घर पे, और घर पे आते भाई मैंने अपना उलिया उलिया ठीक कराया और कटिंग वटिंग करा के आया था, क्योंकि यार मैं जब आया ना अपने घर पे तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही थी। हमारे इधर के रोड ना सही नहीं है, थोड़े टूटे फूटे से रहते हैं तो धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रही थी, तो भाई बालों वालों में घुस गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी तो शक्ल बहुत गंदी हो चुकी है तो मैं क्या ही दिखाऊँ, तो इसी वजह से मैं घर पर आया, नहाया धोया भाई और फिर कटिंग वटिंग करा के आया। अभी जाके अभी भी इतना सही उलिया नहीं है क्योंकि भाई शक्ल इतनी गंदी है, तो फिर भी चलो ठीक है पहले से। तो भाई अभी घर पे आ चुका हूँ मैं, और अभी थोड़ा सा अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ तुम्हें, और फिर उसके बाद जो हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो ये लो भाई मेरी मम्मी से मिलो, ये है मेरी मम्मी जो कि भाई बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी तो भोली सी शक्ल बना रही है, लेकिन इतनी भोली नहीं है। अच्छा, तो माँ की बड़ाई कर रहा है, माँ की बुराई कर रहा है, बता दे। अरे मैं तो बड़ाई ये कर रहा हूँ। क्या बड़ाई? हाँ तो बड़ाई में तो भाई ये मेरी मम्मी है। दो महीने माँ है भाई, इसने मेरे थप्पड़ा की याद आ रही थी, घने दिन हो गए इसका थप्पड़ घुसे लग गया, इसकी दही मसाला मांग रही थी मारा, ये दो महीने माँ आया फिर इसकी खातर पानी करूंगी मैं, घर बैठा कर भैया जा रहा हूँ। तो भाई फिर है ना डर आ रही है कि समझा रही है, समझ में ना आ रहा बेटा ये मेरा प्यार है। तो देख लो भाई ये मेरी मम्मी का प्यार है जो कि भाई बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो चलो ठीक है भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं भाई अगली बार एक और नई जर्नी पे और एक और नई मजेदार सी वीडियो लेके। तो भाई तब तक के लिए जय श्री राम।